तमिलनाडु की क्षेत्रीय राजनीतिक दल द्रविड़ मुनेश कशकम यानी डीएमके के पूर्व अध्यक्ष एम करुणानिधि की रविवार को 100वीं स्मरणीय जयंती मनाई गई। वहीं केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री की स्वर्णिम जयंती पर 100 रुपये का एक स्मारक सिक्का जारी किया। इस दौरान राजनाथ सिंह ने करुणानिधि की प्रशंसा की और उन्हें भारतीय राजनीति का एक महत्वपूर्ण महापुरुष बताया। राजनाथ सिंह ने करुणानिधि के पुत्र और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम के स्टालिन की उपस्थिति में यह स्मारक का सिक्का जारी किया। उन्होंने कहा कि करुणानिधि हमारे देश के एक सबसे सम्मानित नेताओं में से एक है, एक ऐसे व्यक्ति जिनका प्रभाव तमिलनाडु की सीमाओं से कहीं आगे तक फैला हुआ है। करुणानिधि भारतीय राजनीति के एक दिग्गज स्तंभ और सामाजिक न्याय के एक अथक समर्थक थे। केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि द्राविड़ता चैंपियन की राजनीतिक यात्रा एक दृढ़ता, संकल्प और लोगों के साथ गहरे जुड़े हुए संबंध की कहानी है। 5 बार मुख्यमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल आम लोगों की ज़रूरतों को पूरा करने के उनके उल्लेखनीय क्षमता के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि भारतीय राजनीति के जटिल परिदृश्य के काम करते हुए सिर्फ एक क्षेत्र नेता नहीं थे बल्कि एक राष्ट्रीय शख्सियत थे। उनका प्रभाव पूरे देश में महसूस किया जाता था। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय राजनीति में उनकी भागीदारी, गठबंधन सरकार में उनकी भूमिका और विभिन्न राजनीतिक दलों में नेताओं के साथ उनकी बातचीत भारत के विचारों के प्रति उनकी प्रतिबद्धता का दर्शन करती थी। राजनाथ सिंह ने कहा कि राज्य के अधिकारियों पर उनका जोर संघ के भीतर सत्ता के अधिक संतुलित और न्याय संगत वितरण का आह्वान था। करुणानिधि 1960 के दशक में एक नेता के रूप में उभरे जो स्वतंत्रता के बाद भी भारत में बड़े बदलाव का दौर था। ये वो दिन थे जब कई क्षेत्रीय दल उभरे और सरकार बनने में कामयाब रहे। इस दौरान कई उत्तर भारतीय राज्यों में गठबंधन सरकारें बनी। तो वहीं रक्षा मंत्री ने कहा कि उस समय उभरे कई क्षेत्रीय दल लुप्त हो चुके हैं लेकिन करुणानिधि ने डीएमके को इतना मजबूत आधार प्रदान किया कि ये 1960 के दशक की एकमात्र क्षेत्र पार्टी है जो आज भी सत्ता में है। राजनाथ सिंह ने करुणानिधि के बीजेपी नीत एनडीए के साथ अतीत के जुड़ाव को याद किया। उन्होंने कहा कि विचारों के मतभेदों के बावजूद पूर्व मुख्यमंत्री ने अटल बिहारी वाजपेयी सरकार का समर्थन करते हुए एक स्मारक और रचनात्मक भूमिका निभाई। राजनाथ सिंह ने कहा कि उनका समर्थन राष्ट्रीय महत्व के मुद्दों और महत्वपूर्ण घटनाओं के दौरान अत्यंत महत्वपूर्ण रहा था। जबकि रक्षा मंत्री ने यह भी याद किया कि करुणानिधि ने मांग की थी कि मुख्यमंत्री को राष्ट्र दिवस पर तिरंगा फहराने की अनुमति दी जाए जबकि ये कर्तव्य पहले राज्यपालों द्वारा निभाया जाता था। राजनाथ सिंह ने कहा कि उनकी आवाज़ का असर हुआ और निर्णय लिया गया कि स्वतंत्रता दिवस पर केवल मुख्यमंत्री ही झंडा फहराएंगे। इस तरह करुणानिधि 15 अगस्त 1974 को झंडा फहराने वाले तमिलनाडु के पहले मुख्यमंत्री बने। रक्षा मंत्री ने कहा कि करुणानिधि ने लोकतंत्र के लिए लड़ाई लड़ी और स्मारक बदलाव लाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार भी लोकतंत्र और सहकारी संवाद में शक्ति में विश्वास करती है। भारत न केवल अपने 1.4 अरब लोगों के लिए आकांक्षाओं का पूरा कर रहा है बल्कि लोगों को ये उम्मीद भी है कि लोकतंत्र विकास लाता है, लोगों को सशक्त बनाता है। ऐसे अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़वेल इंडिया।